दयालु मीठा पपीता और बंदर एक बहुत ही सुंदर फलों का वन था। वन में अलग अलग प्रकार के फलों के पेड़ थे, कहीं आम के पेड़ तो कहीं पर बरगद का पेड़। पूरा वन फलों से महक रहा था। उसी वन में एक मीठे पपीते का पेड़ भी था। वो पेड़ बहुत ही अच्छा था। आते जाते मुसाफिर और जानवरों को वो अपने मीठे मीठे पपीते खाने को देता था। एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है, तब पेड़ एक चिड़िया को बारिश में भीगते हुए देख लेता है। तब पेड़ उसे आवाज देता है, अरे चिड़िया, यहाँ आओ मेरे पास, ऐसे बारिश में मत भीगो, तुम बीमार पड़ जाओगी। तब चिड़िया पेड़ के पास आती है और कहती है, बारिश में मेरा घर बह गया, अब मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पास बारिश में भीगने के अलावा और कोई चारा नहीं। अरे चिड़िया, तुम मेरे पेड़ पर बने इस घर में रह सकती हो, मेरा घर खाली पड़ा है, मैंने तो इसीलिए इस घर को बनाया था। तब चिड़िया खुश हो जाती है और पेड़ की वजह से चिड़िया को रहने का ठिकाना मिल जाता है। चिड़िया मीठे मीठे पेड़ के घर में रहने जाती है। दूसरे दिन बारिश खत्म होने पर चिड़िया पेड़ से कहती है, मीठे पेड़, तुम कितने दयालु हो, कल तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं बीमार पड़ जाती। ये तो मेरा फर्ज था चिड़िया, आज से तुम्हें यहीं पर रहना है। चिड़िया मीठे पपीते के पेड़ पर अपने घर में रहने लगती है। पेड़ और चिड़िया हमेशा एक दूसरे से बातें करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उन फलों के वन में एक अकड़ू और शरारती बंदर आता है। फलों के वन को देखकर बंदर कहता है, कितना सुंदर वन है ये, कितने रसीले फल लगे हुए हैं यहाँ, और फलों की मीठी मीठी सुगंध भी आ रही है, जी भर कर खाऊंगा, एक साथ सारे फल खा लूंगा। बंदर के मुंह में पानी आता है, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ से और तीसरे पेड़ पर कूदने लगता है। बंदर फलों को तोड़कर खाने लगता है, पर ऐसे करते हुए वो फलों को बर्बाद भी करता जा रहा था। उसके कूदने से तो फल टूटकर नीचे नीचे गिर रहे थे। जब बंदर मीठे पपीते के पेड़ पर कूदता है, तब पेड़ कहता है, अरे बंदर उतरो नीचे, मुझे तुम्हारी वजह से तकलीफ हो रही है, तुम बहुत फलों को बर्बाद कर चुके हो और अब मैं तुम्हें मेरे फलों को बर्बाद नहीं करने दूंगा। तुम इतने मीठे हो फिर भी मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है, क्यों? आज मैं किसी की नहीं सुनने वाला और तुम मुझे रोक नहीं सकते। बंदर बहुत अकड़ू था, वो मीठे पेड़ की एक नहीं सुन रहा था। फिर मीठा पेड़ जोर से हिलता है और बंदर को नीचे गिरा देता है। बंदर धड़ाम से नीचे गिरता है और जोर से चिल्लाता है, हाय रे मीठे पेड़, मुझे क्यों गिरा दिया, मुझे तुम्हारी वजह से चोट लग सकती थी, वैसे मेरी कमर तो टूट ही गई। अब महसूस हुआ तकलीफ, अरे बंदर तुमने हमारे वन की क्या हालत कर दी है, बाकी पेड़ों को कितनी तकलीफ हो रही होगी, इतना अंदाजा है तुम्हें? देख आज के बाद मेरे पेड़ के आसपास भी मत आना, नहीं तो इसी तरह बुरी हालत कर दूंगा। बंदर पेड़ की चेतावनी सुनकर वहां से चला जाता है, पर बंदर अभी भी वैसा का वैसा ही अकड़ू और शरारती था। एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। उस बारिश में जितने भी फल बचे हुए थे वो नीचे गिरकर बह जाते। बंदर भी बारिश में भीगता रह जाता है। दूसरे दिन उसे तेज भूख लगने लगती। बंदर को ऐसे चिड़िया देख लेती है और कहती है, अरे बंदर क्या हुआ तुम्हें, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ चिड़िया, बारिश की वजह से बुखार हो गया है, खाने के लिए फल भी नहीं बचे, पता नहीं मैं क्या करूँगा। अरे कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ मीठे पपीते के पेड़ के पास, उस पेड़ पर अभी भी पपीते लगे हैं, मीठा पेड़ बहुत दयालु है, वो तुम्हें फल खाने के लिए दे देगा। क्या उस मीठे पेड़ के पास? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए उसके पपीते, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। तब चिड़िया मीठे पेड़ के पास आती है और उस बंदर के बारे में बताती है। बंदर को अपनी अकड़ की वजह से भूख तो लग रही थी लेकिन वो खा नहीं रहा था, पर अब बंदर से भूख सही नहीं जाती और वो धीरे से मीठे पेड़ के पास आता है। बंदर की हालत देखकर पेड़ को उस पर दया आ जाती है, वो बंदर को पपीता खाने को दे देता है। तब पेड़ कहता है, बंदर एक तो तुमने फलों को बर्बाद कर दिया और बचे हुए फलों को इस बारिश ने, इसलिए हमें मौसम का ध्यान रखते हुए संभाल कर रहना चाहिए, पर तुम तो अपनी ही मस्ती में थे, देखो क्या हालत कर ली खुद की। बंदर पपीता खाकर अच्छा महसूस करता है
उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर बंदर पेड़ से माफी मांगते हुए कहता, मुझे माफ कर दो मीठे पेड़, आज से मैं यही घर बना कर रहूंगा और इतना ही नहीं हर पेड़ की देखभाल करूंगा, मैं भी तुम्हारे जैसी सबकी मदद करूंगा। ऐसा कहकर बंदर उसी पेड़ के नीचे अपना घर बना लेता है। चिड़िया बंदर के घर बनाने में मदद करती है और इस तरह अब वो तीनों अच्छे दोस्त बन गए थे और खुशी खुशी रहने लगे थे। इसलिए कहते हैं कि दया ही सबसे बड़ा धर्म होता है। माँ हिप्पोपोटामस के बच्चे और खूनी चीता। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा एक बूढ़ा शेर था जिसका अपना कोई नहीं था, पर वो बहुत ही दयालु था। जंगल के सारे जानवर राजा शेर की बहुत इज्जत करते थे। उसी जंगल में एक मादा हिप्पो रहती थी जिसका एक बेटा था ढोलू। ढोलू बहुत ही होशियार था, वो सबसे यूं घुल मिल जाता था। एक दिन हाथी के पैर में कांटा चुभ जाता है, वो दर्द के मारे चिल्ला रही थी, उइ माँ बहुत दर्द हो रहा है, कोई है जरा मेरे पैर से कांटा तो निकाल दे। के तभी उधर से गुजर रहा ढोलू हाथी के पास आता है। अरे हाथी मासी चिंता ना करो, मैं अभी उस कांटे को निकाल देता हूँ। ढोलू हाथी के पैर से कांटे को निकाल देता है। छोटे होकर भी तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद ढोलू। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, आपकी जगह अगर मेरी माँ होती तब भी मैं यही करता। यू ढोलू और हाथी बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ढोलू ऐसे ही सबकी मदद करता था और सबसे मिलजुल कर रहता था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन जंगल में एक खूनी चीता आता है जो बहुत ही बेरहम था। वो जंगल को देख अपने मन में सोचता है, अरे वाह क्या जंगल मिला है, यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं होगी। सुना है यहाँ का राजा बूढ़ा है, मैं उसे मारकर इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। यू सोच ही रहा था कि उसकी नजर तालाब के पास पानी पी रहे जानवरों पर पड़ती है। वो एकदम से उन पर हमला कर देता है। जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। चीता उनके पीछे भागते हुए उन्हें घायल कर रहा था। देखते ही देखते वो कई सारे जानवरों को घायल कर देता है। जब ये बात शेर को पता चलती है तो वो गुस्से से दहाड़ मारते हुए चीते के पास जाता है। अरे ओ चीते, तेरी ये मजाल कि तूने मेरे जानवरों को परेशान करना शुरू कर दिया, देख जहाँ से आया है वही चला जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। अरे ओ बुढ़े, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा? वैसे भी आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ, तू नहीं। अगर तू अपनी जान की खैर चाहता है तो चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो तुझे मारने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यूं चीता जोर जोर से हंसने लगता है। ये देख शेर को गुस्सा आता है और वो चीते पर हमला करता है। चीता और शेर के बीच लड़ाई होती है। चीता शेर को घायल कर देता है। शेर हिल भी नहीं पा रहा था। ये देख चीता जोर जोर से हंसता है और कहता है, देख बुड्ढे, मैं चाहूँ तो तुझे अभी के अभी मार सकता हूँ, पर नहीं, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। देख बाकी जानवरों को मेरी ताकत का एहसास हो गया, सब मेरी गुलामी कर रहे, मैं जब चाहे तब जिसे चाहे उसे खा सकता हूँ। यू चीता अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर लेता है। चीते की हैवानियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो घायल शेर को एक पिंजरे में बंद कर देता है। खूनी चीते की दहशत से डरे हुए जानवर सब एक जगह इकट्ठा होते हैं। अरे दोस्तों क्या करे, कौन हमारी मदद करेगा? उस खूनी दरिंदे ने महाराज को भी कैद कर रखा है। अब तो बस थोड़े बहुत जानवर बचे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। अरे मुझे हमारी चिंता नहीं है, मैं अपने बच्चों की सोच रही हूँ। हाँ हम हमारे बच्चों को लेकर ये जंगल छोड़कर चले जाते हैं। पर महाराज का क्या होगा, हम उन्हें यूँ छोड़कर नहीं जा सकते, उन्होंने हमारा कितना साथ दिया था। यू वो सोच रहे थे कि ढोलू को एक ख्याल आता है और वो कहता है, मेरे पास एक उपाय है,
अगर आप सब मेरा साथ दोगे तो हम सब मिलकर उस खूनी को हरा सकते हैं। अरे बेटा तू चुप रह, तू अभी बच्चा है, यो बड़ों की बातों में नहीं बोलते। अरे हिप्पो बहन क्यों रोक रही है ढोलू को, क्या पता उसके सुझाव से हम सबकी जान बच जाए। तुम बताओ बेटा क्या उपाय है। यहाँ से कुछ दूर पर एक कुआ है, हम उसके अंदर ढेर सारा मांस डाल देंगे और हम में से कोई एक चीते को वहां तक ले आएगा और वहां से भाग जाएगा। चीता मांस के लालच में कुएं में कूद पड़ेगा और हम सब बड़े बड़े पत्थर डालकर उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। सुझाव तो अच्छा है, पर उस खूनी दरिंदे के सामने कौन जाएगा। तुम लोग उसकी चिंता ना करो, हम सब में थोड़ा बहुत तेज भागने वाली मैं ही हूँ, मैं उसे कुएं तक ले जाऊंगी। सारे जानवर कुएं में मांस को डाल देते हैं और छुप जाते हैं। इधर चीता जानवरों को ढूंढते हुए निकलता है। अरे ये सारे जानवर कहाँ मर गए, कब से मैं ढूंढ रहा हूँ। कि तभी चीते की नजर हिरन पर पड़ती है, वो हिरन के पीछे भाग रहा था। सारे जानवर टेंशन में थे। हिरन कुएं के पास पहुंचती है और एकदम से झाड़ियों में छिप जाती है। पर हिरन किधर गई, अभी तो यही थी, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई। यूं वो इधर उधर ढूंढ रहा था कि तभी उसे मांस की खुशबू आती है और वो कुएं में देखता है। अरे वाह मांस, लगता है किसी जानवर ने अपना भोजन यहाँ छुपा रखा है। चलो हिरन गई तो क्या हुआ, मांस तो मिला, अब मैं आराम से ये सारा मांस खा लूंगा। यूं सोचकर चीता कुएं में छलांग मारता है और सारा मांस खा जाता है। वो हिल भी नहीं पा रहा था कि तभी सारे जानवर वहाँ इकट्ठा होते हैं और कुएं में बड़े बड़े पत्थरों को डालकर चीते को मार देते हैं। सारे जानवर और शेर ढोलू का धन्यवाद करते हैं और फिर से खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं।